मुखार बिन तो असा बाणी दा रस पिना कीर्तन सरवण कीता है। मैं अपने वालों प्रबंधक कमेटी वालों इन्हां दा धन्नवाद करदा। मैं बेनती करदा दो हाथ जोड़ के मीडिया वालियां नूं गुरु हरगोबिंद साहब का प्रकाश, उनकी आमद दुनिया के लिए रहमत है। गुरु हरगोबिंद फारसी में भाई नंदलाल सिंह का कौल है, गुरु हरगोबिंद आ सरापा करम, सिर से पैर तक अल्लाह की रहमत उन पर है कि मकबूल शुजो शकी हो दजम। जो आम लोग हैं रास्ते से भट गए हैं, जब उनके जो गुरु हरगोबिंद साहब का पैगाम है उस पर चलते हैं तो मकबूल हो जाते हैं, वो भी इज्जत मान सत्कार उनको मिलता है, क्योंकि वो अल्लाह गुरु हरगोबिंद साहब का जो पैगाम है, वाहेगुरु का नाम लो, अल्लाह की बात करो, भगवान का चिंतन करो। मुझे बहुत अच्छा लगा, वैसे मैं हर प्रोग्राम पे जाता हूँ और मैं एंजॉय बहुत अच्छा करता हूँ। गुरुद्वारा मत्था टेकने के लिए आता हूँ मैं और कीर्तन सुनने के लिए आता हूँ। और पीछे लीजिए, पीछे के थोड़ा लो। तो आज का जो दिन है, हैप्पी प्रकाश पुरब ऑफ श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी, तो सबको आना चाहिए कीर्तन सुनने के लिए। यहाँ पर हजूरी रागी भी आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे नहीं है, ये शादी मरग पुलवामा में भी है, बारामूला छटीपाची में भी है, तो यहाँ पे भी है। सब जहाँ पे जिनको अच्छा लगेगा वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये लंगर भी चल रहे हैं, लंगर चालू है, यहाँ पे स्टॉल बहुत ज़्यादा हैं, जो भी स्टॉल में भी बहुत काफ़ी ये हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी को भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है, बढ़िया है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा दिन है। काफ़ी दिनों से हम वेट करते इस दिन का, ऊपर वाले ने दिया तो आज का दिन एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। आज के दिन क्या कुछ होता है यहाँ पे? आज के दिन आप देख ही रहे हो खुद, होना क्या आज के दिन, पहले से चलता आ रहा है ये तो काफ़ी टाइम से, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। तो बढ़िया दिन है आज का दिन, हम अच्छे तरीके से मनाते हैं। यहीं के रहने वाला हूँ और ख़ास तौर से जो आज का दिन हम मना रहे हैं, गुरु हरगोबिंद जी का प्रकाश पूर्व मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने हमारे छठे गुरु हैं, गुरु अर्जन देव जी के बेटे हैं, जिन्होंने ये गद्दी संभाली और उसके बाद काफ़ी कठिनाई उनको से फेस करनी पड़ी, यहाँ तक कि औरंगजेब के ज़माने में ग्वालियर किले में उनको बंद कर दिया गया। तो फिर औरंगजेब ने देखा कि ये भगत हैं, साथ संगत हैं, तो उन्होंने इनको छोड़ने की बात की। पर गुरु हरगोबिंद साहब के अंदर ऐसा एक खूबी थी कि उन्होंने अकेले नहीं निकले, वहाँ 52 राजे बंद थे, कैद थे, उनको भी अपने साथ जोली साल आगे बाहर निकाल दिया, उनको भी आज़ाद किया। तो उनका पैगाम था कि हम आपसे मिल के रहें, ताकि जो भी इंसान दुनिया में रहता है एक दूसरे का भाई बन के रहे, प्यार से रहे, तो ये उनका फरमान था जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। जो हमारे छठे पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब जी के ये स्थान था, यहाँ गुरु हरगोबिंद साहब जी वहाँ से चल के कश्मीर में आए थे, माता भागवरी जी ने उनको उनके लिए अपने मन तन से चोला बना के रखा था। वो बोलते थे गुरु जी आएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे, और मैं उनके वो फिर रोते रोते रहे, बहुत उनकी आँखों में भी अंधे हो गए थे, आँखों से भी देख नहीं पा रहे थे। फिर गुरु साहब जी को पता लगा कि मेरे को वो माता जी याद कर रही हैं, फिर वो उधर से चल के कश्मीर में आए इधर, और इस जगह पर उन्होंने उनको दर्शन दिए माता जी को, और फिर उन्होंने वो चोला जो बनाया था अपने हाथ से उनको पहनाया, और उनके मन को शांति मिली। फिर उन्होंने बोला कि आप मेरी इस जगह पर ही मुक्ति कर दीजिए। फिर गुरु साहब जी ने उनको उनकी जो है अंतिम समा जो है उनका संभाला, और वो यहाँ पर ज्योति जोत संभाला गई। ये भी पातशाही छठी पातशाही रहनावारी गुरुद्वारा में आए हुए हैं, यहाँ पर गुरुपुरब मनाया जा रहा है हमारे छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जी। तो यहाँ की महानता ये है कि यहाँ पर श्री हमारे छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी आए हुए थे, तो उस दौरान जब और जब मुग़ल के समय वो यहाँ पर आए हुए थे, शादी मर गए हैं,
उधर शादीमर्ग से आए हैं, इधर इधर से चले गए, फिर बारामूला, बारामूला से गए हैं, फिर वो उड़ी, फिर उधर से चले गए फिर वापस। उनकी सीखे जो है ना वो पूरी दुनिया में काफी मशहूर। हाँ यही है। क्या सीखे हैं उनकी? क्या है उनकी? भाईचारे की सीखे हैं। हाँ, भाईचारे की सीख आपने सुनी हो अपने घर वालों से उस वक्त में? अरे क्या है, वो तो सबके लिए थे, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, सबके लिए एक ही थे। उनका एक ही नारा था, सब अच्छा करो, किसी के साथ बुरा मत करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम करते थे, लोगों को देते थे, खाने को देते थे, पहनने को देते थे, साथ रखते थे और दुआ करते थे। ये दिन है और हर साल की तरह यहाँ पे इनेकाद जो हुआ है, एक बड़ी एक अच्छी सी एक फंक्शन का, जहाँ पे ऑनरेबल एलजी साहब भी आए थे। तो मैं पहले तो मुबारकबाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दूंगा, यहाँ के जो कम्युनिटी एल्डर्स हैं बलदेव जी हैं, उनके साथी हैं, उनको मुबारकबाद दूंगा कि इतनी एक शाहाना तरीके से उनने मजलिस का इनेकाद यहाँ पर किया। और आज का दिन यही दर्शाता है कि हम लोग एक हैं, हमारी सिख कम्युनिटी समुदाय जो है वो एक इंटेग्रल पार्ट है कश्मीर की, कश्मीरियत की, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं, हिस्टोरिक कॉन्ट्रीब्यूशंस भी और करंट कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कश्मीर की तरफ बहुत हैं। तो आज उन सबको बधाई, और फिर से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, बलदेव जी और उनके साथियों को बहुत बहुत बधाई कि यहाँ पे एक बहुत ही शाहाना और पुरविकार मजलिस का इनेकाद हुआ।